नमस्कार दर्शकों, मैं राजेश पुरी और तुसी देख रहे हो एवन पंजाबी चैनल। प्रोग्राम करंट इशूज़ दे विच तुहाडा स्वागत है। जिवें कि तुहानू पता ही है कि ज़्यादातर असी समाजिक मसलों नू लैके तुहाडे रूबरू हुंने आ। अज भी एक समाज नाल जुड़िया होया बड़ा वड्डा मसला तुहाडे सामने लैके असी हाज़र हैं। अज गल करांगे आपां कि जिहड़े वधदे होए बिजली दे बिल ने, जिस तरह के हुण एक शुरुआत हुई है कि इलैक्ट्रॉनिक वाहन जिहड़े आ मार्केट च आने शुरू हो गए ने, और बहुत सारे जिहड़े लोग ने वो सोलर सिस्टम लगवा रहे ने, ते उहनां नूं बहुत हद तक जिहड़ी है वो बिजली दे बिलों तों निजात मिल रही है। लेकिन इहदे विच होर ऐसा की होना चाहिए कि जिस तरह आपां नूं सारयां नूं बिजली मिल रही है कि सोलर सिस्टम भी आम लोगों की पहुँच च आ सके। इस बारे मेरे नाल गलबात करने वास्ते लुधियाना तो साढ़े रिपोर्टर कमल कपूर जी फोन लाइन पर मौजूद ने। कमल जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। कमल जी, जे आप गल करिए कि बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, इलैक्ट्रॉनिक वाहन जड़े ने वह हूँ मार्केट च आ रहे हैं, जिदे नाल कुछ जी पेट्रोल डीजल तो जोड़े लोग बिजनेस करते हैं, थ्री व्हीलर चलाते हैं या होर जो कुछ भी चलाते हैं, ई रिक्शा उन्होंने अवेलेबल हो गया है। जोड़े लोग सक्षम ने सोलर सिस्टम लगवा दे, उन्होंने सोलर सिस्टम भी लगवा लिए ने, लेकिन जोड़े लोगों की पहुँच नहीं है सोलर सिस्टम तक, मतलब अज की गल कर यही है कि आम लोगों तक कदों तक जोड़ा है सोलर सिस्टम की पहुँच होएगी जी। जी बिल्कुल, देखो बिजली की अगर मांग जी है लगातार बढ़ती जा रही है, और उसी बिजली की मांग नू पूरा करने लिए जिथे आप देख रहे हैं कि कोयले का इस्तेमाल होंगे, डीजल का इस्तेमाल होंगे, और सब तो बड़ी गल वाहनों लैके, क्योंकि अज सड़कों के उत्ते अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से जिन्हें वाहन दौड़ रहे हैं वो तकरीबन या तो डीजल या फिर पेट्रोल के उपर ने। बहुत बड़ी जरूरत हैगी है कि इन्हों इलैक्ट्रॉनिक च बदलिया जाए, ता जो पेट्रोल और डीजल जिहड़ी लगातार मंग बढ़ती जा रही है उन्हें किसी ना किसी काबू किया जाए। दूजी तुसी बहुत वधिया मुद्दा जिहड़ा हैगा चक्या है कि आखिर सानू अगर कुदरती एनर्जी अगर मिलती है तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। कपूर साहब ये इस करके कहा कि देखो सूरज की रोशनी आपां नूं मुफ्त मिलती है और सबसिडाइज भी किया गया सोलर सिस्टम, लेकिन उसके बावजूद भी आम लोगों की पहुँच तो बाहर है। मेरा कहने का सिर्फ इन्ना को मतलब है कि इन्ने वड्डे जिहड़े बिल ने, इन्नी वड्डी तादाद जिहड़े पैसे लोगों को देने पैंदे आ, उस तो लोगों का बचाव हो सके ते आम लोगों की पहुँच तक के सोलर सिस्टम पहुँच सके। सर जी बिल्कुल, आम लोगों तक इहदी पहुँच उदों ही होएगी जदों ये उन्हां नूं सस्ते उहदे विच मिलेगा। अगर बिजली के रेटा के हिसाब नाल ही अगर उन्हूं उहदी इनवैसमेंट करनी होएगी तो बहुत ज़्यादा वो महंगा पै जाएगा। पहली गल, एक किलोवाट लिए अगर आपां सोलर सिस्टम लगाने तो एक तो 1.5 लाख रुपए के करीब करीब वह खर्चा जिहड़ा आउंदा वो एक किलोवाट का, तकरीबन एक घर की अगर आप गल करिए 2 किलोवाट का जिहड़ा कनैक्शन है वो मिनीमम चाहिए होंदा, तो उहदे हिसाब नाल आपां नूं 3 तो 4 लाख जिहड़ा सोलर पैनल से खर्च करना पएगा। सब तो बड़ी गल उस सोलर पैनल की जिहड़ी पावर है उहनूं स्टोरेज की, अगर स्टोरेज सस्ती हो जिन्या बैटरीज की अज कीमत हैगी है उस हिसाब नाल काफी महंगा पैंदा है। दूसरी सब तो बड़ी गल, जिन्हें ई वाहन इस टाइम चल रहे हैं है, उन्होंने लिथियम आयन बैटरी जिहड़ियां ने काफी कॉस्टली पैंदे ने, अगर सरकार इन्हां दे उत्ते सबसिडी दे दे तो बहुत ज्यादा जिहड़ा फर्क है वह पै जाएगा, और बहुत सारे जिहड़े गरीब परिवार ने जिन्हां दे बहुत बड़े बड़े बिल आउंदे ने वो एक तो कुदरती एनर्जी का फायदा चक्कन लग जाएंगे, दूसरा उन्होंने बड़े बड़े बिलों तो जिहड़ी निजात मिल जाएगी जी। अच्छा, ये जिहड़ा सब तो बहुत वड्डा मसला है प्रदूषण का, वह भी हल हो जाएगा जी। जी मैं पहले ही गल की थी, जो कुदरती एनर्जी साढ़े को अवेलेबल है, आप जिस वातावरण के रहने हैं तो अगर मैं सिर्फ भारत की गल करा तो साडा जिहड़ा एटमोसफेयर है वह पहले ही बहुत ज्यादा गर्म है, असी गर्म जलवायु के देश के रहने हैं जिथे आपू सोलर की अगर आप एनर्जी की गल करिए तकरीबन 6 तो 7 महीने आप उस एनर्जी का जोड़ा फायदा चक सकते हैं, तो यह 6 तो 7 महीने की एनर्जी अगर आप बचा लीए उन्हें स्टोर कर लीए तो बहुत ज्यादा एक तो आप प्रगति की जी आप गल कर लेंगे वायुमंडल के जिन्ना पोल्यूशन जा रहा है या बिजली पैदा करने लिए जिनी ज्यादा कोयले की खपत हो रही है उन्होंने भी घटाया जा सकेगा, और नाल दी नाल गरीब लोगों जे जिन्हों बड़े बड़े बिल अदा करने पै रहे हैं उन्होंने राहत जी जरूर दी जा सकती, और जोड़ा महंगा इन्ना पेट्रोल डीजल हो रहा है वो उस तो भी निजात मिल जाएगी जी।
जी बिल्कुल निजात बिल्कुल उदो ही संभव हैगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की आप गल करिए हले तक आम लोगों की पहुंच तो बहुत दूर है, बहुत ज्यादा कॉस्टली जड़े ने वाहन जड़े पै रहे ने। हालांकि ई रिक्शा की तुम गल की जरूर जड़े चलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर ये सिस्टम होर ज्यादा कर लिता जाए कि वह सबसिडाइज कर लीए, अगर आप सबसिडीज दे दिए तो मेरे ख्याल से इस वक्त जिन्हें ई रिक्शा जे चल रहे हैं तो दुगनी मात्रा बद भी जाएंगे। एक तो रोजगार लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, एक उन्होंने वाहन की डीजल की जी खपत है वह घट जाएगी, और बाहर डीजल के रेट तुम देखो किस तरह लगातार जोड़े बढ़ते जा रहे हैं, 90 रुपए तो उत्ते जो डीजल पहुँच चुका है तो उससे भी कितने ना कि महंगाई तो भी इस ठल पै जाएगी। जी कपूर साहब गलबात करने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद जी। ये लुधियाना तो साढ़े रिपोर्टर कमल कपूर जी जिन्ह ने बड़ी अहम जानकारी साढ़े नांझी की और लोगों जी है हौली हौली उम्मीद बननी शुरू हुई है कि जिस तरह ई रिक्शा मार्केट च आया है वो जड़ा है कुछ हद तक जो प्रदूषण तो लोग बच रहे हैं। जे इस तरीके नाल सोलर सिस्टम और ई रिक्शा या होर जड़े वाहन ने वो इलैक्ट्रॉनिक हो जाए तो आम लोगों की पहुँच च हो कि ना कि साडा जो वातावरण है वो स्वच्छ होएगा और लोगों महंगाई की जी मार पै रही है उस तो भी लोग बच सकेंगे। हूँ समा इजाजत नहीं दे रहा, मैं राजेश पुरी दो इजाजत ते तुसी देखते रहो एवन पंजाबी चैनल। नमस्कार। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज जिमें गठिया सर्वाइकल माइग्रेन अते शरीर में किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना होंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनिया कई बीमारियों का इको एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज़ तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज़ तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज़ हर चूरन। कब्ज़ हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज़ तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।